कन्हैया कुमार का पैगाम। साथियों, आप सभी के हौसला अफजाई के संदेशों के लिए तहे दिल से शुक्रिया। सभी को जवाब देना संभव नहीं हो पा रहा है, इसलिए अपनी बात इस पोस्ट में लिख रहा हूँ। आपके संदेश पढ़कर लगा कि आपको शायद लग रहा है कि मैं उदास हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरा मानना है कि चुनाव हारे हैं, जंग नहीं हारे हैं। झुके नहीं जिंदगी के लिए, सबकी खुशी के लिए चलेंगे, गिरेंगे फिर उठेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे। इसी सोच की वजह से जीवन में यहाँ तक पहुँचा हूँ। भरोसा रखिए, आगे भी यही जज्बा कायम रहेगा। मैंने हमेशा कहा है कि यह हक और लूट तथा सच और झूठ के बीच की लड़ाई है। संख्या बल में हार जाने पर भी सच हमेशा सच ही रहता है। संख्या बल में तो गैलीलियो भी हार गए थे और कॉपरनिकस भी, बाबा साहेब भी हार गए थे और एरोम शर्मिला भी। जब दुनिया में राजतंत्र का दौर था, तब लोकतंत्र के पक्ष में आवाज उठाने वालों का अधिकतर लोगों ने विरोध किया था। आज का सच यही है कि नफरतवादी ताकत ने 85% लोगों को, 15% लोगों का डर दिखाकर 99% लोगों को लूट रही है। यही सच भले ही संख्या बल में आज हार गया हो, लेकिन एक दिन लोग इसकी अहमियत जरूर समझेंगे। चुनाव के नतीजे से जिन लोगों को निराशा हुई है, उन्हें भी यही बात समझने की ज़रूरत है कि यह हार हमारी सोच की हार नहीं है। हमारा संघर्ष नफरत और लूट के खिलाफ है। यह हमारे उन विरोधियों के बच्चों के भी भविष्य को बेहतर बनाने का संघर्ष है जो अभी हमारी बातों से सहमत नहीं है, सहमत नहीं हो पा रहे हैं। आज उनकी राजनीतिक समझ कुछ और है, लेकिन अगर हम उनसे संवाद बनाए रखें तो एक न एक दिन उन्हें हमारी बातें ज़रूर समझ में आएंगी। एक दौर था जब रंगभेद, दास प्रथा आदि को समाज के बड़े तबके का समर्थन हासिल था। जिन देशों में कानूनी तौर पर रंगभेद, दास प्रथा आदि को मान्यता मिली थी, वहाँ भी जनता के आंदोलन ने सच को सच और झूठ को झूठ साबित करके दिखाया। कोई बात सिर्फ इसीलिए सही नहीं साबित हो जाती कि उसे एक बड़े तबके का समर्थन हासिल है। नफरत और हिंसा को देश प्रेम साबित करने की कोशिश के पीछे बाजार और सत्ता के गठजोड़ की असलियत आज बहुत मजबूत प्रचार तंत्र के कारण बहुत बड़ी आबादी के सामने नहीं आ पा रही है। लेकिन अरबों रुपये खर्च करके फर्जी महानता की जो तस्वीर जनता के सामने रखी गई है, उनके रंग बहुत जल्द सच्चाई की गर्मी से पिघल जाएगी। हम सबको तब तक अपना हौसला और जज्बा बनाए रखना है और अपने विरोधियों के साथ संवाद को कायम रखते हुए जनहित के मुद्दों पर अपनी आवाज़ बुलंद करनी है। आपने जिस तरह तमाम मुश्किलों, धमकियों आदि का सामना करते हुए सच का साथ निभाया है, उससे बहुतों को प्रेरणा मिली है। आपको अपनी यह भूमिका आने वाले समय में भी निभानी है। आपने उस चिड़िया की कहानी सुनी होगी जिसने जंगल में आग लगने पर चोंच में पानी भर कर आग बुझाने की कोशिश की थी। जब बाकी जानवरों ने उसका मजाक उड़ाया तो उसका जवाब था, जब इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग बुझाने वालों में शामिल होगा और तुम लोगों का चुपचाप तमाशा देखने वालों में। डरिए मत, क्योंकि डर के आगे हार है और संघर्ष के आगे जीत है। आइए हम सब ये बात याद रखें, पहले वे आपकी अपेक्षा करेंगे, उसके बाद आप पर हंसेंगे, फिर आपसे लड़ेंगे, लेकिन उसके बाद जीत आपकी होगी। धन्यवाद।